हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमेश फिक और आप देख रहे हैं वंडर शेफ फिल्मोरा का कंप्लीट ट्यूटोरियल, या आप इसको कंप्लीट वीडियो कोर्स भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा बिगिनर से प्रोफेशनल तक, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि वंडर शेफ फिल्मोरा एक बेसिक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या पर्सनल यूज या फिर प्रोफेशनल यूज के लिए भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं चैप्टर्स भी ऐड कर दूंगा, यानी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज देखनी है जिसमें यानी जैसे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, वीडियो को ब्लर कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, और वो वीडियो के एंड पे है, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो आप सारी वीडियो को जंप करके या स्किप करके सिर्फ वो ही स्पेसिफिक चीज पे पहुंच जाएंगे और उसको आसानी देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी जाया नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस तरह के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वीडियो की शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम वंडर शेफ फिल्मोरा को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल एक ब्राउजर को ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा चैनल, अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छा लगे, वीडियोस अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने न्यू टैब ओपन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर टाइप कर देना है वंडर शेफ फिल्मोरा, ठीक है, इंटर कर दें। और यहाँ पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। और ये इनका डैशबोर्ड है, आपने नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई इट फॉर फ्री। तो ये इनका फ्री वर्जन है, हमें इनका पेड वर्जन चाहिए, ठीक है। तो पेड वर्जन इनका $79.99 का है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, फीचर पर क्लिक करें। यहाँ पर दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक मैक के लिए और विंडोज़ के लिए, हमें विंडोज़ के लिए चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शंस अब आ रहे हैं, ट्राई इट फॉर फ्री या बाय नाउ का। तो बाय नाउ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसके प्लान शो हो जाएंगे। अब स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे देखें, मंथली प्लान है, एनुअल प्लान है और लाइफ टाइम प्लान है। ये $79.99 का, मैं यही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है या मेरे जैसे भाई हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो वो उसको रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब पे ही आप सर्च कर सकते हैं कि इसको किस तरह से रजिस्टर करना है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे भाई आपने सिंपल इसको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। तो इसमें परेशानी होना, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा कि इसको रजिस्टर कैसे करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, कमेंट में मुझे बता दें तो मैं आपको रजिस्टर करवा दूँगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूट्यूब की तरफ से भी, तो इसलिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे अगर आप बाय कर सकते हैं तो ये सबसे बेहतर, आप यहाँ पे सिंपल बाय पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स देकर इसको बाय कर सकते हैं। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, विंडोज़ पे आके नीचे आएं और यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद, मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ जी, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस पर डबल क्लिक कर लेना है। अब इसको इंस्टॉल करना सीख लेते हैं कि इंस्टॉल किस तरह से करना है इसको, ठीक है। अब ये लैंग्वेज पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में आपने इंस्टॉल करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे इंग्लिश रहने देना है। ओके पे क्लिक कर लें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। ये लोकेशन पूछ रहा है कि किस जगह पे आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ब्राउज करके आप जगह चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ई एफ जी, जिसमें भी आपने ड्राइव में सेव करना है या जिस फोल्डर में सेव करना है उधर ही रहने दे, या आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि ये इंस्टॉल हो जाए, तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा तो मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये अभी इंस्टॉलेशन फिनिशिंग मोड पे है, ठीक है। तो ये अभी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करना है कि नहीं। भाई मुझे नहीं ज्वाइन करना। और यहाँ पे लॉन्च का बटन है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी जब ये पहली बार लॉन्च होगा तो ये कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करेगा, लोड करेगा और कुछ पैकेजेस वगैरह भी डाउनलोड करेगा। तो पहली बार में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको लोड होने में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है। पहली बार में टाइम लगता है, हर बार में टाइम नहीं लगता, क्योंकि अभी ये पहली बार इंस्टॉल किया हमने, तो ये पैकेजेस वगैरह लाइब्रेरीज इस तरह की चीज़ें सारी इंस्टॉल करेगा, तो उसके बाद ही ये लोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये मुकम्मल लोड हो चुका है। अब यहाँ पे ये हमें इसका पॉपअप दिखा रहा है। पॉपअप मतलब कि ये तीन स्क्रीन को पॉपअप भी कहते हैं। ओवरव्यू दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने पहले बना के सेव किए थे, ये मुझे ये वो शो किया। यहाँ पे हम ओपन प्रोजेक्ट, इनमें से कोई इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो हम कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं जो हमने सेव किया है। ये आपको आगे चल के मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी हमने प्रोजेक्ट सेव किया है, जहाँ भी किया है, तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। ये आगे चल के इसकी आपकी समझ आएगी। दूसरे नंबर पर है ये प्रोजेक्ट जो हमने सेव किए हैं पहले बना के, वो शो होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये बिल्कुल खाली शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोजेक्ट में हमें यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमें यहाँ से 4 से 5 किस्म के प्रोजेक्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं। ये 16:9, ये जैसे ये स्क्रीन है, ये 16:9 ही है, इसको ये 16:9 कहती है, जैसे वाइड स्क्रीन होते हैं। फिर ये इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, इंस्टाग्राम की पोस्ट आती है, ठीक है। ऊपर भी कुछ स्टेटस वगैरह चले, नीचे भी होते हैं, सेंटर में वीडियो आ रही होती है, उसको ये कहते हैं। उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड है, स्टैंडर्ड है और सिनेमा, ये सब आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। सिंपल आपने क्या करना है, व्हाइट स्क्रीन पे रहने देना और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा, वंडर शेयरफुल मोरा का। अच्छा, तो ये है इसका डैशबोर्ड फिल्मोरा का, ठीक है। जैसे ही अब ये लॉन्च करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले फ्री वर्जन डाउनलोड किया था, तो इसको हमने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपने हेल्प पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट विंडो वंडरशेफ फिल्मोरा एक्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ईमेल पूछ रहा है और इसका पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने ये बाय किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको बाय कैसे करना है, तो वहाँ पे आपका ये ईमेल और पासवर्ड पूछेगा और यहाँ पे साइन इन टू एक्टिवेट फिल्मोरा एक्स पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी रजिस्टर कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा फिल्मोरा वंडरशेफ फिल्मोरा रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। तो अब हम इसके डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम ये जो ब्लैक स्क्रीन देख सकते हैं, इसको हम लाइव प्रीव्यू भी कह सकते हैं। मतलब कि हम जो भी एडिटिंग करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ये जो पहला ही ऑप्शन है मीडिया का, इसमें सैम्पल वीडियो भी मिलती है, ठीक है। तो ये सैम्पल वीडियो है कुछ, अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूँ तो ये यहाँ पर वीडियो शो हो रही है, इसको प्रीव्यू कहते हैं। मतलब कि हम जो भी इसमें एडिटिंग करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगी। जैसे कि अगर मैं दूसरी वीडियो को डाउनलोड करके प्ले करके देखूं, तो यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो ये वीडियो चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़, अब इसके ऑप्शंस क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यही वीडियो लगा देता हूँ दोबारा, और यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे तो हम वापस बैक आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यह हो गया, तो इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बताने लगूँ कि ये क्या चीज़ है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम वीडियो को चला सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हैं, और अगर आपने एक स्टेप पीछे करना है तो इस पर क्लिक करें, ठीक है, ये देखिए पीछे हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा, और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे स्टॉप, और सेम लाइक दैट अगर आप कीबोर्ड के स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये चल पड़ेगी, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रुक जाएगी। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन के टूल्स हैं, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, जैसे कि अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, ये वाले सिलेक्शन के टूल्स हैं, यानी कि आपने कितनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ रही है, जैसे इसको मैं वीडियो को चला रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हमें शो होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये वीडियो की क्वालिटी है, प्ले बैक क्वालिटी, यहाँ पे देखे नीचे भी लिखा है वो शो आ रहा है, यहाँ पे देखे नीचे भी शो हो रहा है। तो इसके अलावा हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये क्वालिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे फुल पे क्लिक कर देंगे तो ये क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है ये प्रीव्यू क्वालिटी एंड डिस्प्ले सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो है, इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे कि हमने वहाँ पे जब लॉन्च कर रहे थे सॉफ्टवेयर को तब भी ये चीज़ें शो हो रही थी कि यहाँ पे हमने कौन सा प्रोजेक्ट सेटिंग रखनी है, ठीक है, तो ये आपको मैं बाद में बताऊँगा ये चीज़ है क्या, तो इसको सिंपल एज इट रहने दें। इसके अलावा ये जो चीज़ है इसे हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्नैपशॉट, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये स्नैपशॉट सेव हो गया, कहाँ पे सेव हुआ ये हमें वो बता भी रहा है कि ये हमने कहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो ये सी में है यूज़र, फिर मेरे फोल्डर में है डॉक्यूमेंट्स, फिर वंडरशेप, फिर वंडरशेप फिल्मोरा में, फिर स्नैपशॉट का फोल्डर है, और वहाँ पे ये सेट है। तो इसको आप मैं अगर लाइव दिखा भी दूँ तो ये अगर हम माय कंप्यूटर में जाएं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे वंडरशेप फिल्मोरा में, वंडरशेप फिल्मोरा में जाने के बाद यहाँ पे स्नैपचैट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पिक्चर है वो, ठीक है, या ये होगी, दोनों में से एक पिक्चर है, एक पहले भी मैंने ली थी, तो ये इस तरह से ये सेव, ये वाली पिक्चर है, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन है, यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और ये चीज़ है कि अगर हमने यहाँ पे एडिट कर लिया और हमें इसको बड़ी स्क्रीन करके देखना है तो ये फीचर उसके लिए है, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये फुल साइज स्क्रीन मिल जाएगी, तो इसको मैं प्ले करके देख लूँ, ये इस तरह से कुछ शो होगा, ठीक है। तो इसको दोबारा से भी यहाँ से भी क्लिक करके वापस लाया जा सकता है, और कीबोर्ड के एस्केप बटन जो कॉर्नर पे बटन होता है उस पर क्लिक करके भी इसको वापस लाया जा सकता है। तो ये हो गई इसकी चीज़ें, और उसके अलावा ये आते हैं ये जो चीज़ है टाइमलाइन, मतलब कि हम जो भी एडिट करेंगे अपनी वीडियो में, पिक्चर में कोई चीज़ ऐड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो सारा कुछ इस हिस्से में होगा, इसको टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं ये चीज़ है, ये वीडियो की कैटेगरी है, ठीक है, जो भी हम वीडियो ऐड करेंगे तो ये देखें एक वीडियो इसमें कैटेगरी होती है, ये जो चीज़ है ये ऑडियो की कैटेगरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो ट्रैक ऐड भी कर सकते हैं, जैसे ये एक और ऐड हो गया, ये एक है ये दो, ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा, तीन हो गए हैं, जैसे तीन, अब इनका फ़ायदा क्या है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऐड की है तो मैं यहाँ पे वही वीडियो ला के या कोई और वीडियो ला के ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ला के मैं एक और वीडियो ऐड कर सकता हूँ, जैसे एक ही जगह पे हम तीन चार वीडियो या जितनी भी आप वीडियो चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे हम इसको पहले क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके और डिलीट सिलेक्टेड ट्रैक पे, ये एम्प्टी पे नहीं करना वरना जो भी एम्प्टी है सारे सारे डिलीट हो जाएंगे, सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, फिर से करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ये चीज़ होगी। इसी तरह आप ऑडियो के ट्रैक भी ऐड कर सकती हैं, जैसे ये ऐड ऑडियो ट्रैक है, यहाँ पे ऐड पहले ये एक ऑडियो ऐड ट्रैक था, यहाँ पे अब ये दूसरा आ गया, इसी तरह इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे डिलीट कर दूँ, ये चीज़ होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप एम्प्टी ट्रैक, जहाँ पे मतलब कि कुछ भी हमारा एडिटेबल नहीं है, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, उसको ट्रैक डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे हम हाइट भी इसकी कर सकते हैं, जैसे ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये उससे भी छोटे, ठीक है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, तो इसको भी हम हाइट भी बड़ी छोटी कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैनेजर, इसको हम बाद में देखेंगे, ओपन ट्रैक मैनेजर, इसमें इसकी सेटिंग्स होगी थोड़ी सी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे
मीडिया ऐड करना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये इस तरह है, तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे कोई वीडियो या पिक्चर ऐड करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, दो से तीन तरीके हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे अगर देखे ये माउस का कर्सर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, तो मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पिक्चर्स ही ऐड करना चाहूँ, ये देखें ये पिक्चर्स ऐड की होगी, और अगर मैंने एक से ज़्यादा पिक्चर ऐड करनी है तो ये देखिए एक बार पिक्चर ऐड करने के बाद या वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पे वो साइन ख़त्म हो जाता है वीडियो ऐड करने का। तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फाइल पे, यहाँ पे आके हमने देखना इंपोर्ट मीडिया, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल आई दबाकर भी इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पे क्लिक करके भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, वही चीज़ आ गई है। तो हमने एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, कंट्रोल दबा के रखना आपने और माउस का लेफ्ट क्लिक, ये कि मैंने पांच सेलेक्ट कर ली, ओपन कर लिया, ठीक है, ये पांच की पांच आ जाएगी। इसके अलावा इसको अगर मैं डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डेल का बटन दबाएं, ठीक है, यस पे क्लिक कर दें, और यहाँ राइट क्लिक करके आपने डिलीट पे क्लिक कर देना, तब भी हो जाएंगी। इकट्ठी डिलीट करना चाहते हैं तो माउस के साथ ऐसे, ठीक है, ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर लें, या कंट्रोल दबा के रखें और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएं, तो फिर आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और डेल पे क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, इसको अगर हम मिनिमाइज कर दें और फर्ज करें इसी को हमने ऐड करना, तो माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएं और ये देखिए पिक्चर सिलेक्ट हो गई है, इसको दबा के रखना, आपने छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आप वंडरशिप फिल्मोरा के आइकन पर ला के तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, तो इस तरह से आप इसको मीडिया को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं, टाइमलाइन के बारे में, बिल्कुल मैंने ये पिक्चर्स ऐड किए, मैं यहाँ पे एक दो वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और ये ठीक है। तो इस पर हम वापस आते हैं, यहाँ इनको रहने दें, मैं आपको दूसरी वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। पिक्चर भी रहने देते हैं एक बीच में, तो इसमें से हम ऐड करेंगे तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा और यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाके या डॉक्यूमेंट्स में जाके इस बंडल से अपनी ही कोई वीडियो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, आउटपुट में आके, तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं ऐड कर लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ला के मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये वीडियो भी ऐड हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, अगर इसको सिंपल प्ले करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें तो ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं साउंड बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी। अब मैं इस वीडियो में एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ इस वीडियो को सिंपल यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये पॉपअप आ रहा है कि आप वो कह रहे हैं कि जो वीडियो की सेटिंग है वही रखना चाहते हैं या आप जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है वो रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जो वीडियो की सेटिंग है वो ही रहे, तो यहाँ पे आपने मैच टू मैच मीडिया पे क्लिक कर देना है, तो ये वही वीडियो आ गई है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई है, उसके अलावा अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं वीडियो के साइज को और कम भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक करके रखूँगा माउस के लेफ्ट बटन को तो इस होटी ये देखें, ठीक, इस तरह से। अब भी सिंपल इसको दोबारा इस तरह क्लिक करूँ तो ये वीडियो का साइज, अगर मैं कोई सीन कट करना चाहता हूँ तो इसको मैं बड़ा कर लूँगा ताकि मुझे वो सीन वाजिया तौर पे दिखे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेंडर प्रीव्यू है, ठीक है, वीडियो को रेंडर करने के दौरान आ जाता है, ठीक है। ऐड मार्कर, मार्कर अब मैं कोई ऐड करना है तो वो चीज़ है, तो ये म्यूज़िक है। इसके अलावा ये जूम है, ठीक है, जूम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके अलावा ये यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए ये चीज़, ये वही चीज़ है, ये भी कर सकते हैं, ये चीज़ होगी। यहाँ पे हम जो भी वीडियो का साउंड आएगा वो यहाँ पे आएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसका साउंड ज़्यादा है या कम है। उसके अलावा हम इसके फीचर्स के बात कर सकते हैं, तो इसमें पहला फीचर आता है अंडू का। अंडू क्या है, मतलब कि अगर पहले यहाँ पे वीडियो थे, मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ गया हूँ, तो अंडू है कि एक स्टेप पीछे जाना। इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये वीडियो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। दोबारा से करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये है डिलीट का। अब यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, बॉर्डर लाइन,
इसका मतलब है कि ये चीज सिलेक्ट है। सिलेक्ट का मतलब क्या है कि अब हम जो भी एडिटिंग करेंगे वो इसी हिस्से में होगी। तो अगर हम फर्ज करें डिलीट पे क्लिक कर दें तो ये डिलीट हो जाए क्योंकि वो सारी की सारी सिलेक्ट थी। तो अभी हम अंडू करते हैं, यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट किया, और कंट्रोल जी कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस जी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये एक ही बार अंडू होगा, जितनी बार भी आप करेंगे वापस आता रहेगा ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा ये डिलीट है और ये क्रोप आ गया है। क्रोप क्या है, अगर आपने कुछ भी डिलीट करना है वीडियो का, कुछ भी सिलेक्ट करनी है वीडियो, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रोप को बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो लाइन है जिसको अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये जहाँ पे भी होगी वहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। बिलफर्ज अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये ब्लैक है क्योंकि अभी यहाँ पे वीडियो है ही नहीं, ठीक है, तो ये ब्लैक आएगा। तो अगर इसको मैं पॉज करके यहाँ पे लाऊं तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा इस पर कैंची बनी हुई है, सीजर बना हुआ है। तो इसका क्या फीचर है, अगर हमने कोई सीन कट करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये सीन मुझे वीडियो में ना दिखे, तो उसको मैं कट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कैंची पे क्लिक कर दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्प्लिट हो गई है, दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गई है। कैसे, इसको अगर मैं क्लिक करके रखूँ और यहाँ से ड्रैग कर लूँ तो आप देख सकते हैं बीच में गैप आ गए, ये दो वीडियो बन गई हैं एक ही वीडियो की, ठीक है, स्प्लिट हो गई है। अब अगर मैं डेल पे डिलीट करूंगा तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, ये नहीं होगी। ये क्यों होगी भला, क्योंकि इसके आसपास बॉर्डर लाइन है, ये वीडियो सिलेक्ट है। जैसे कि अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो वो वीडियो डिलीट होगी है, ये वैसे की वैसी है, ठीक है। इसको वापस लेके आते हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसको डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करने के बजाय हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वैसी है। तो इस पर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब मैं इसको वापस लेके आता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये साथ ही रहें, लेकिन मैंने यहाँ से इसको वीडियो को लहदा लहदा करके इसको डिलीट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा सीन डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्लिप यहाँ पे किया था, ठीक है, इसको वीडियो को प्ले करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक जो है ना मुझे सीन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पॉज कर लूँगा वीडियो को। अब यहाँ पर फिर से कैंची आ रहा है, एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, यहाँ से भी आप वही चीज़ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगी, यहाँ पे भी करेंगे तो ये कट जाएगी। अब क्या हो गया कि ये वीडियो कट गई है फिर से, ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये फीचर काम आएगा, इसको अगर आप क्लिक करके रखेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये बड़ी होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको मैं क्लिक करके सेंटर में लेके आऊँ तो ये देखिए पे छोटी, ये चीज़ मैंने सिलेक्ट करी, मैं कहता हूँ कि ये सीन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, प्ले करके दिखा देता हूँ, ये सीन मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है। अब ये देखिए इसके आसपास बॉर्डर है क्योंकि इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, इस पर करूंगा तो ये हो जाएगी, इसको मैंने डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये सीन रिमूव हो जाएगा, बहुत ही आसान और प्रो फीचर है, ठीक है, ये बहुत ही आसानी के साथ आप किसी भी सीन को कट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फीचर इसमें और है, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड फीचर है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके रखूँगा और इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ठीक है, नीचे लेके आऊँगा तो ये वॉल्यूम कम कर देगा वीडियो का, ये चीज़ होगी। इसी तरह आप इसको भी कर सकते, क्योंकि वीडियो लैद है, इस पर भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस ऑडियो को अलहदा भी कर सकते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ऐसी ही रहे, वीडियो का सीन ना डिलीट हो, लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ आ गई है या कोई आवाज़ है उसको मैं कट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक कर दें, हाथ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आए या इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिटैच ऑडियो का, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ऑडियो यहाँ पे आ चुकी है, ऑडियो से ख़त्म हो चुकी है। अगर इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊँ और मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ला के वीडियो को प्ले कर दूँ और यहाँ पे वॉल्यूम इसका फुल कर दूँ, आप देख सकते हैं इसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो वॉल्यूम था वो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊँ। अगर मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पर ले कर जाऊँ तो इसको प्ले करूँ, आपको वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है। अब यूट्यूब स्टूडियो का ये चीज़ हो गई है। अभी इसको हमने फिर से वापस अटैच करना है तो जूम वैसे अंडू कर देंगे, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा। उसके अलावा इसको जैसे डिटैच का ऑप्शन है वैसे ही अटैच का ऑप्शन भी है, राइट क्लिक करेंगे ना ऑडियो पे इस तरह तो ये अटैच का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें हम कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं, कट करने पे यहाँ से गैप हो जाएगा और कहीं भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पेस्ट होके आ गया है, ये चीज़ होगी। फिर से राइट क्लिक करके देखते हैं, कॉपी करके आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। इसका ये फायदा है कि ये डिलीट नहीं होगा और इसके साथ ही ये और आ जाएगा। यहाँ पे पेस्ट करें तो ये देखें दो एक ही चीज़ आ गई है, ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब फिर से इस पर राइट क्लिक करके और फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे क्रॉप एंड जूम है। अब इसका क्या है कि मैं कुछ हिस्सा वीडियो का देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं देखना चाहता, मतलब कि यहाँ तक वीडियो मैं नहीं देखना चाहता हूँ, बाकी सारी देखना चाहता हूँ, तो उतनी मैं क्रॉप करके, ठीक है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अगर आप हैशटैग को यू, तो ये देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इतना हिस्सा देखूँ वीडियो का, बाकी नहीं देखूँ, उसके लिए मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। ये चीज़ है तो सिर्फ मुझे उतना ही हिस्सा दिखेगा वीडियो का, ये देखिए सिर्फ चेहरा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो ये क्रॉप का भी आप बढ़ा या कम कर सकते हैं, मतलब कि मुझे सिर्फ यहाँ से लेके ठीक है यहाँ तक हिस्सा जो है वो क्रॉप करना है, थोड़ा सा दिखाना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लिप का ऑप्शन काम आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा और ये जो है सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करके क्रॉप एंड स्लिप जूम पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये फिर से आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा जो बैनर है चैनल का सिर्फ यही दिखे, तो मैं ऐसे क्लिक कर लूँगा और यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ तक मैं चाहता हूँ सिर्फ ये दिखे, तो मैं ओके पे क्लिक कर लूँगा तो ये सिर्फ क्रॉप होके जूम होके सिर्फ वही चीज़ मुझे दिखेगी। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ वही चीज़ दिख रही है, पूरी ही स्क्रीन है, ठीक है। तो ये फीचर भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके अलावा इसमें फीचर्स देखें तो स्प्लिट आ गया, वो मैंने आपको बता दी, ये जो कैंची इसको स्प्लिट कहते हैं, ठीक है। और डिलीट के ऑप्शंस आ गए, कट पेस्ट का भी आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ट्रिम, ट्रिम चीज़ वही है कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम करनी है और डिलीट कर देनी है, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ मैंने सेलेक्ट की और इसको डिलीट कर दी, तो ये एक ही फीचर में भी हो सकता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने के बजाय ट्रिम कर दूंगा तो इधर वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा, ये फीचर है। उसके अलावा नीचे आए तो ये रोटेट है, मतलब कि इसको हम रोटेट करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आती है। अगर ये वीडियो को रोटेट कर देगा 90 डिग्री पे, अब दोबारा इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये फिर से रोटेट हो जाएगी। इस तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह आपने ऑपोजिट करना तो ये वाला फीचर पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी शॉर्ट की भी दे सकते हैं, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस स्प्राइट। इस तरह यहाँ पे आप स्पीड एंड ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, स्पीड एंड ड्यूरेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो ऑप्शन है ये भी है, ठीक है। स्पीड पे ड्यूरेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अगर कस्टम स्पीड पे सिलेक्ट करूँगा तो मैं अगर कस्टम स्पीड पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल स्पीड है। इसको अगर मैं तेज़ कर दूँ यानी कि 5x कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कितनी तेज़ हो जाएगी, ये ज़रा आप चेक करें। मैं वीडियो थोड़ी सी लो क्वांटिटी के ऐड करता हूँ क्योंकि 60 फ्रेम पर सेकंड है, इसलिए आपको सही दिख नहीं रहा है। तो एक सेकंड मैं और वीडियो ऐड कर लूँ, इसमें सैंपल वीडियो ऐड कर लेते हैं कोई, ठीक है, हाँ यही ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने वीडियो ऐड कर ली, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा इस पर अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कस्टम स्पीड पे आ जाता हूँ, ये नॉर्मल स्पीड है। अब उसका टाइम देखिए 2 सेकंड और 2 सेकंड की, ठीक है। उसको मैं अगर 3 सेकंड पे करूँ तो ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम हो गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस तरह दोबारा देखें, ठीक है, ये स्पीड जितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ये जब आप फीचर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी इसका ये साइन शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर भी ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर भी ऑप्शन आ जाएगा, या वीडियो का राइट क्लिक करके क्लिक करेंगे तो फिर भी स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड अप कम कर दूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा या यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। कस्टम स्पीड आ गई है ये, इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ और अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 पे क्लिक कर दिया मैंने, ओके कर दिया तो ये बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसकी स्पीड स्लो करना चाहता हूँ
तो मैं क्या करूँगा, फिर से इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कस्टम स्पीड पे आके इसको अगर माइनस में लिखी जाऊँगा तो ये स्लो होती जाएगी। अगर आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे भी ऑप्शन है स्लो का, ठीक है, ये हाफ स्पीड है, हाफ से हाफ स्पीड है ये, ठीक है। इस तरह स्पीड जितनी मर्जी आप कम कर सकते हैं, यहाँ पे आप फास्ट भी कर सकते हैं 2x 4x 8x, ठीक है, नॉर्मल पे भी ला सकते हैं। अगर मैं फर्ज करो इसको स्लो करता हूँ, यहाँ पे इस पर प्ले करके देखते हैं, देखिए स्लो हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या स्पीड सेलेक्ट कर दिया, मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और सिंपल नॉर्मल पे क्लिक कर दूँगा, ये चीज़ हो गया। अब चाहता हूँ मैं कि ये वीडियो चल रही है ना और यहाँ पे ये वीडियो पास रहे लेकिन हमारी वीडियो चलती रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फ्रीज फ्रेम पे भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब इसका क्या होगा, आप इसको प्ले करके देख लें, वीडियो हमारी चल रही है लेकिन यहाँ पे पास है, तो इस तरह आप किसी भी वीडियो के फ्रेम को पास कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी के साथ। अब यहाँ पे अगर ये इस तरह का साइन आ रहा है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम लाइक डैट, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। अब ये कौन सा फीचर हम बढ़ा कम रहे हैं, फ्रीज फ्रेम वाला, ठीक है। अगर इसको मैं कम कर दूंगा ये थोड़ी देर फ्रेम होगा, ज़्यादा कर दूंगा तो इतनी देर तक ये फ्रेम ही रहेगा, फ्रीज ही रहेगा, ठीक है, ये जो फ्रेम है फ्रीज ही रहेगा। अब ये देखिए ऐसे फ्रीज ही रहेगा ये, तो ये फीचर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। ये देखिए फ्रेम ही है, अभी इसको पास करके मैं वापस ले आऊँ, ठीक है, प्ले करके देखते हैं, ठीक है, पहला एक सेकंड भी नहीं फ्रीज हुआ और वीडियो चल पड़ी। अब इसको बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे, नॉर्मल पे क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल पे आ जाएगा। ये फीचर्स हो गए, इसके अलावा ये फीचर्स है, ये कलर टूल्स हैं, कलर टूल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन आते हैं, कलर करेक्शन और कलर मैच का। कलर करेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें आप कह लें फिल्टर, फिल्टर कह लें आसान लफ्ज़ों में कि फ़िल्टर हैं, इसको अगर ये क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके फ़िल्टर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से फ़िल्टर जो भी सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें तो ये फ़िल्टर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि जो भी फ़िल्टर मैंने सिलेक्ट किया है वो रिमूव हो जाए, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सिंपल यहाँ पे रीसेट ऑल पे क्लिक करेंगे तो बाकी वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये फ़िल्टर सिलेक्ट हुआ, रीसेट ऑल रिमूव हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन भी कार है, अब एडजस्ट के ऑप्शन में आपको देखिए थ्रेशोल्ड और वैल्यू ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा तो ये कलर का इफेक्ट आ रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, सेम लाइक डैट। अगर इसको मैं वैल्यू को बढ़ा दूंगा आप देख सकते हैं मैं अपनी मर्जी से भी इसको, यानी कि आप कस्टम कलर फिल्टर भी कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, कि अपनी मर्ज़ी से भी मैं कर सकता हूँ। इसके नीचे ये देखें इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ऑटो है, ऑटो को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो पहला ऑप्शन आ रहा है वाइट बैलेंस का, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम वाइट बैलेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। बैक जाऊँगा तो ये फ्रीज वाला फिल्टर शो होगा, ये टेम्परेचर है, ठीक है, तो अगर पीछे लेके जाऊँगा माइनस में फ्रीज वाला शो हो गया, ठीक है, यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये हॉट वाला शो हो गया, ठीक है, गर्मी वाला। यहाँ पे टिंट वाला है, ये देखिए ये चीज़। इस तरह से आप बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी आप रीसेट करना चाहते हैं सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दें, अगर सारे को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। फिर तो उसके अलावा ये 3D आता है, इसमें देखते हैं ये नॉन है, इसको हम बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए इफेक्ट है, तो ये सारे के सारे इफेक्ट ही हैं, ठीक है। कलर है, ये देखें इसको अगर मैं करके ले जाता हूँ तो ये वाइट रोड है, ठीक है, पीछे डार्क रोड है। ये ब्राइटनेस है, इसकी ब्राइटनेस देखें तो ये ब्राइटनेस बढ़ रही है और यहाँ पर कम हो रही है, ये चीज़ है। कॉन्ट्रास्ट आ गया, इसका कंट्रास्ट में देखें ये कंट्रास्ट करेगा दोनों को, मतलब कम्बिनेशन बनाएगा दोनों का। वाइब्रेंस आ गया, वाइब्रेंस में भी यही कुछ होता है, ठीक है, ये देखें। तो ये सारे इसको रीसेट करना है, रीसेट ऑल पे क्लिक कर दें तो सारे का सारा रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह आप बहुत सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर आपको पसंद है, जैसे कूल मैक्स है या वार्म मैक्स है, इस तरह आप कोई भी फीचर्स ले सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने सेव कैसे करना, ओके पे क्लिक कर दें तो ये सेव हो जाएगा, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट वापस ही आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था ये फीचर बड़ी स्क्रीन होकर आपको नजर आएगा, ठीक है, तो ये वो चीज़ है। इसको कट कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको बताना था।
अब यहाँ पे क्लिक कर दें और दूसरा ऑप्शन है कलर मैच, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ये देखिए कलर इन्हेंसमेंट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वैल्यू पे क्लिक कर दें तो ये देखिए चेंज हो रही है। इसको वापस लें, यहाँ पे वाइट बैलेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ वाइट बैलेंस, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये देखें ये टेम्परेचर का आ गया, ये टिंट का आ गया, मतलब कि दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ये जो पहला ऑप्शन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे एडवांस का बटन आता है, एडवांस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वही चीज़ ओपन होकर आ जाएगी, मतलब कि ये दोनों फीचर एक ही हैं, सिर्फ आइडिया लेते लेते, ठीक है। यहाँ पे इस तरह शो हो रहा है और वहाँ पे दूसरी तरह शो होता है, इसको रीसेट कर दें, ओके पे क्लिक कर दें तो ये वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे साथ वाला जो फीचर है ये ग्रीन स्क्रीन, ये क्रोमा स्क्रीन है, तो अगर इसको मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो इसके लिए मुझे आपके कुछ ऐड करना होगा मीडिया, ठीक है। तो मैं मीडिया ऐड करके आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। मिनिमाइज़ किया है और मैंने ये जो ऑप्शन है इसको ड्रैग करके ओपन कर लिया। अब ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये है क्या, ये जी एक एनिमेशन है, पीछे ग्रीन स्क्रीन है, मेरे चैनल का है कि मतलब कि ये जो कहते हैं ना सब्सक्राइब कर लें ये वो उस तरह का होते, तो ये मैंने खुद ही बनाया। अगर आपको ये भी बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको ये बनाना भी सिखा दूँगा। तो सिंपल अब हम ये फीचर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये फीचर क्या है कि क्रोमा की क्या है, क्रोमा की यह है कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं अनचेक कर दूं, ग्रीन स्क्रीन आ रही है, गायब हो गई है। तो ये फीचर काम कैसे करता है, अगर मैं इसको नीचे लाऊं और ये ऊपर लेके आ जाऊं, ये इसको ऊपर लेके आते हैं, इसको नीचे, ये देखिए ये फीचर इस तरह से काम करता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए एक और फीचर है कि ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लें या यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब क्लिक करके रखेंगे तो इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप थोड़ा स्लो है मेरा तो इस वजह से ये थोड़ा अलर्ट के चल रहा है, तो इस पर परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसका अब साइज़ बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए ये जो डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो साइज़ छोटा बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अब इसको मैं मूव कर लेता हूँ, मुझे चाहिए ये यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, वो क्या है कि ये जो हमारी मेन वीडियो हमेशा आपने नीचे रखनी है, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो ऊपर ऐड करेंगे वो ऊपर ही शो होगी। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले जाऊँ तो ये देखिए शो ही नहीं हो रहा, ये देखिए ज़रा ब्लैक स्क्रीन है और वो शो ही नहीं, क्योंकि वीडियो के नीचे आ गया है। तो इसको हमने ऊपर रखना है, मेन वीडियो हमेशा नीचे रखना है ताकि जो भी एडिटिंग हो उसके ऊपर ही आ जाए, ये चीज़ हो गई है। तो ये देखें अब ये शो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से ग्रीन स्क्रीन इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन नहीं है कोई और स्क्रीन है उसको भी रिमूव कर सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि आपका कलर एक ही हो, ठीक है। यहाँ पर देखें ये एक चीज़ है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने सेलेक्ट की तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके ये चीज़ वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये वाइट रिमूव हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। इसने सिर्फ ब्लैक करना है, ठीक है, ताकि दूसरी स्क्रीन पे आप वाजिया देख सकें इस तरह से। तो अगर ये फिर से मल्टीपल फीचर्स हैं, यहाँ पे अगर मैं लाऊं तो ये देखें मल्टीपल फीचर्स हैं, तो इसका क्या होगा कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मल्टीपल फीचर्स है तो ये ब्लैक ही नहीं होगा, ये देखें फिल्टर आ गया, ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है, ये बहुत गंदा सा। तो आपने इसको रीसेट कर देना है, ओके पे क्लिक कर दें और ये जो है इसको हमने ब्लैक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इसका, तो ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा आगे आ रहा है यहाँ पे आप टेम्परेचर टेंट, ये वही चीज़ है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाइट बैलेंस क्या है, ओके पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी साउंड है, इसको भी हमने ज़्यादा करना है रिमूव करना है, वो भी चीज़ हम देख सकते हैं। उसके अलावा आगे आ जाता है ये चीज़, ये क्या है, मोशन ट्रैकिंग। मोशन ट्रैकिंग क्या है कि आप इसकी मोशन को ट्रैक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये चेक करें। तो समझ में आया, दोबारा से करके देखते हैं,
जैसे जैसे मोशन ट्रैक हो रही है वैसे वैसे ये भी उसके साथ साथ मूव हो रहा है, ठीक है। इसका हमें क्या फ़ायदा है, इस पर अगर हम प्लस पे क्लिक करें इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या इसका कलर रिमूव कर सकते हैं, या बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी वीडियो के हिस्से को ब्लाइंड करना या रिमूव करना तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी है, इसका हम रिमूव कर दें एक बार, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दें और इसको छोटा कर लें। अब ये फीचर्स भी आ गए। इसके अलावा ये देखिए ये फीचर क्या है, की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग क्या है कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी आ रहा है कि ये हमें एनिमेशन चेंजेस टू द पोजीशन, ये हमें चेंज करने में मदद देता है। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है स्केल, आ चुका है। स्केल का मतलब है साइज को बड़ा करना छोटा करना, ठीक है। ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब है ये अभी वाजे नज़र आ रहा है ना, अगर इसकी ओपेसिटी मैं कम कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, तो ये चीज़ ओपेसिटी है। पोजीशन एक्स पोजीशन वाई, पोजीशन एक्स ये चीज़ होती है इधर इधर लेके जाना, वाई ऊपर नीचे है, ठीक है, या मेरे ख्याल में वाई इधर एक्स ऊपर नीचे, ये मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है। तो ये चीज़ें रोटेट यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये देखिए घुमा के ये चीज़ यहाँ से भी हो सकती है। और ये मेरे भाई यहाँ से ये चीज़ें मैं डिलीट कर दूँ, इसमें भी वीडियो पे लोड पड़ा हुआ है, हाँ ये चीज़। अब ये देखें ये चीज़ें है ना, यहाँ से भी इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, रोटेट हो रही है। तो यहाँ से भी हम इसको रोटेट कर सकते, तो ये सारे फीचर इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक फीचर आ रहा है एडिट का, ठीक है। अब एडिट में वही सारी चीज़ें आ गई हैं जो मैंने यहाँ पे बताई है। अब ये देखें प्रीसेट आ गया, यहाँ पे हम मोशंस इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मोशन है ये इस तरह आएगा, ये यहाँ से साइड से आएगा, ठीक है, उठा के अपनी हरकत करेगा, ये देखें ज़रा इस तरह साइड से आएगा, ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये पहले से इसमें ऐड होते हैं, इसके अलावा आपने मोशन ऐड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। कस्टमाइजेशन, आप मोशन अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, इसके अलावा ये चीज़ ये साइलेंस डिटेक्ट। अब ये जो ऑडियो है उसमें हम साइलेंस आवाज़ बढ़ते हैं, जैसे कोई बीप है या हम ऑडियो चाहते हैं कि कोई ऐसा वर्ड बोल दिया, हम चाहते हैं कि वो ना हमें सुनाई दे, तो उसमें हम बीप ऐड कर देंगे, तो ये उस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। अब ये फीचर्स हो गए हैं सारे। अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूँ, एक वीडियो रन करता है ताकि एडिटिंग में आसानी हो, क्योंकि इस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। लैपटॉप भी मेरा माशाल्लाह से वैसे ही है। अब बारी आती है इन फीचर्स की, इन फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये मीडिया है, मीडिया में क्या है कि प्रोजेक्ट मीडिया तीन है, जो हमने ऐड किया है यहाँ पे वो शो होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मीडिया। शेयर्ड मीडिया, यहाँ पे हमने जो मल्टीपल प्रोजेक्ट में चीज़ें यूज़ की होंगी वहाँ ये शो होंगी, ठीक है। फोल्डर, फोल्डर अभी तक हमने कोई बनाया नहीं है। सैम्पल कलर, सैम्पल कलर में हमें पहले से ही कलर मिले हुए हैं, जैसे ये बैकग्राउंड का ब्लैक कलर है, हम इसका कलर और भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं डाउनलोड कर लूँ, ये बेबी पिंक है, ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, यहाँ पे भी रिमूव हो जाएगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जिस तरह बहुत सारे कलर्स हैं। सैम्पल वीडियो में जैसे कि हम आपको दिखा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर की अपनी सैम्पल वीडियो होती है, जैसे कि ये एक वीडियो काउंटडाउन की वीडियो, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ होती हैं। जैसे कि आप कोई इस तरह की वीडियो एडिट करें कि टॉप थ्री बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान या इन इंडिया या किसी भी और सिटी में, तो ये काउंटडाउन बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको अगर मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दूं, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये काउंटडाउन 9 तक जाती है मेरे ख्याल में, या इसके मेरे ख्याल में नाम है, हाँ ये नाम ही आ रहा है। अच्छा ये ऐड हो चुके, इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ज़रा काउंटडाउन 3 2 1, ठीक है। अब इस तरह इकट्ठी ला के बाद भी आप वीडियो के इस तरह चला सकते हैं, दो वीडियो मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, ये देखें इस तरह चला सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ये ज़रा एडिटिंग देखें, 4 है, यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि ये 4 के बाद ये हिस्सा चले, ठीक है। जैसे कि ये देखें ज़रा
अब ये 3 भी इसमें ऐड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ला के, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये 4 के बाद ये वीडियो चलेगी इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप लैदा लैदा भी कर सकते हैं, तो ये बड़ा यूज़फुल फीचर है, लैदा कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैम्पल ग्रीन स्क्रीन, अब ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। यानी कि अगर आप कोई भी मतलब के कंपटीशन कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये फीचर्स आए लेकिन वीडियो के ऊपर ही आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है। आप इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, मेन वीडियो में यही है, ठीक है। इसमें अगर मैं ये फीचर्स ऐड करना चाहूँ तो इसमें मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये देखिए ज़रा, इसको मैं क्या करता हूँ प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इसका ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आ गया, ड्यूरेशन हम कम भी कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लें और इसको ड्रैग किए जाएँ, या माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। आपने ये यहाँ तक आ जाएंगे तो ये देखें, अगर वीडियो तक रहनी है तो थोड़ा सा पास लेके आएंगे तो ये खुद ब खुद वहाँ तक ही आ जाएगा, ये चीज़ हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर दूँ, और ये हमारी मेन वीडियो है, ठीक है, इसके ऊपर मैं लाना चाहता हूँ इसको, ये मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर लेके आ गया। अब इसको ये देखें, ये इस तरह आ गया। अब मैंने क्या करना है कि ये ग्रीन स्क्रीन ख़त्म करना है, तो मैंने आपको फीचर बताया था, राइट क्लिक करके आप इसको एडिट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली गैप हो जाएगी, ओके पे क्लिक करें। अब ये देखिए वर्सेस आ रहा है, अब इसका साइज़ छोटा करना है, सिंपल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई, ठीक है। मतलब अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हमने वीडियो को स्प्लिट कर लेना है, एक वीडियो इधर चल रही हो, एक वीडियो इधर चल रही हो, बीच में बसेस आ रहा हो, तो ये चीज़ें भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इस तरह से ये फीचर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी एडिटिंग में। इसको अभी मैं सबको डिलीट करता हूँ, सबको डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है, किसी भी खाली जगह पर कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए मतलब सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट पे क्लिक कर दें और ये सब कुछ डिलीट हो गया, खाली हो गया। फिर से सैम्पल वीडियो एक ऐड कर लेते हैं ताकि हम एडिटिंग सीख सकें, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दी वीडियो, मैच टू मैच रहने दें और ये ऐड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ये दूसरे ऑप्शन की, ऑडियो की। इसमें सॉरी, इसमें हमें बहुत सारी ऑडियोज जो हैं हमें प्री डाउनलोडेड मिलती हैं, और कुछ डाउनलोड करने के ऑप्शन भी होते हैं, और इसके अलावा भी अगर हमने कुछ चाहिए तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये आपको मैं बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये अब डाउनलोडेड है, उसको मैं अब डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करो ताकि आपको अंदाजा हो जाए। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक वीडियो भी ऐड कर लेते हैं, सैम्पल वीडियो मैंने ये ऐड कर ली, यहाँ पे ऐड कर ली। इसका साइज ठहरे ज़रा, इसका मैं साइज़ बड़ा कर लूँ क्योंकि ये वीडियो 2-3 सेकंड की, इसलिए हमें ना इस तरह की नज़र आ रही है। ये देखें, ये अब वीडियो आ गई, इसमें मैं कोई ऑडियो ऐड करना चाहता हूँ, कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहता हूँ जिस पर मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आए, तो यहाँ से हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज यहाँ से मैं वीडियो चलाता हूँ, तो ये देखिए वीडियो चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रहा है। अब ये इतने लंबा म्यूज़िक है मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये दोनों को मैंने डिलीट करना है, जो अजाफी चीज़ें यहाँ पे ला के मैंने क्या करना है कैंची पे क्लिक कर देना है। अब ये आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली फीचर है कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इससे राइट वाली जो जहाँ पे स्लिप करते हैं ना उससे राइट वाले हिस्से की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं, तो मैंने क्या करूँगा सिंपल डेल पे क्लिक करूँगा और ये डिलीट हो जाएगी। अब ये इक्वल इक्वल रहेगी, ये ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए म्यूज़िक आ रहा है। ये चीज़ें इस तरह से बहुत सारे हम म्यूज़िक जो है ना ऑडियो में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे म्यूज़िक हैं, तकरीबन 172 के करीब म्यूज़िक हैं। अब इसमें ऑडियो म्यूज़िक भी हैं और इसके अलावा रॉक, ये कैटेगरी बनाई हुई है, उसके अलावा साउंड इफेक्ट भी हैं। साउंड इफेक्ट क्या है, जैसे ये एटॉमिक बॉम्ब है, इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसकी कुछ समझ आई। मतलब इस तरह के आप बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक मीडिया ऐड कर लेते हैं, सैम्पल वीडियो यही कर लेते हैं।
ठीक है, ऑडियो में जाते हैं। इस तरह आप माई म्यूजिक जो है, माई म्यूजिक में आप जो भी म्यूजिक ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप सेव करना चाहें या फेवरेट में ऐड करना चाहें तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। अब आ जाते हैं टाइटल। टाइटल क्या है मेरे भाई? टाइटल बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है आपके व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अगर आप यूट्यूबर हैं या कुछ भी करते हैं वीडियो एडिटिंग में, ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है, इसमें अब ये एक टाइटल है, ठीक है। इसमें देखो 276 टाइटल हमें इंक्लूडेड मिलते हैं। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। हमेशा आपने याद रखना है कि जो मेन वीडियो है ना वो नीचे ही रहे और जो भी एडिटिंग चीज़ें हैं वो ऊपर रहे, एक्सेप्ट ऑडियो, ऑडियो में से नीचे ही रहेगी, ठीक है। अब ये देखें, इसको अगर मैं प्ले कर दूं, ये देखें ये चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा है, मुझे नहीं चाहिए इतना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ला के, अब देखिए ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा नीचे वाली वीडियो के साथ। ये देखें हो गया, सेम लाइक डैट। यहाँ से भी मैं करता हूँ तो यहाँ पे भी आ गया। अब ये देखें दोनों इक्वल हो गए। अब इसको प्ले करके देखते हैं, समझ आया कुछ? इस तरह से ऐड। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी का कुछ लिखना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये एडिट ओपन हो जाएगा। अब इस पे देखें, इसको हम मूव भी कर सकते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आए, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है जी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका टेक्स्ट लिखा आ रहा है, मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, टेक्स्ट चेंज हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अब आ रहा है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 2021, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर लें 2021। अब ये चीज़ भी आ गई। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसका साइज़ बड़ा छोटा होना चाहिए, फिर से वही चीज़ हम करेंगे, यहाँ से पकड़ के साइज़ बड़ा छोटा कर देंगे। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये सिर्फ वो जो पीछे बैकग्राउंड की इमेजेस है उसका साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है, वर्डिंग का नहीं हो रहा। अब इसका क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसको सबको सिलेक्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी। अगर आपने इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप साइज़ छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। नहीं करना तो आप इसको सिंपल क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, जैसे ये डॉट्स आ रही है ये सिलेक्ट, या इसको सिलेक्ट कर लें, इस पर क्लिक करें और बड़ा छोटा भी साइज़ आप कर सकते हैं, या इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सिलेक्ट आपने साइज़ करना है तो यहाँ पे मैं करूँगा 56 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूँ और ये 56 कर देता हूँ, पहले 56 है, इसको और बड़ा कर लें 90 कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह आप साइज़ बड़ा छोटा आप इसका कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसको मूव करना है तो यहाँ से मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ होगी है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई इसको थोड़ा सा इधर लेके आना है या नीचे लेके आना है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये वो चीज़ होगी। इसके बाद इसमें आप मोशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, आप इसके फॉन्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर, इसका मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, सिलेक्ट ऑल कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें और ये देखें मैं ये वाला चेंज कर, ये देखें राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। दोबारा से सिलेक्ट ऑल कर लें, यहाँ पे भी आप क्लिक करके तो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वाला आ जाए तो ये देखें और चेंज हो गया, फिर से इसको करके मैं ये वाला लाना चाहता हूँ तो ये देखें और चेंज हो गया। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये जो फीचर है ये वर्टिकल है, समझ में आए, या ये लैंडस्केप है या वर्टिकल है, ये चीज़। यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप इसको करके मोटा भी कर सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ तो, ठीक है। हाईलाइट करना होगा इस चीज़ को, वो चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, या अगर मैं सिर्फ इस वर्ड को टेढ़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लें और ये टेढ़ा हो जाएगा, बाकी वैसे ही। यानी कि जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे एडिटिंग सिर्फ उसमें होगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ तो और भी ऑप्शन है, जैसे ये तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे को, ये सेंटर में, राइट लेफ्ट, ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा पीछे से टाइटल्स में आ जाएं। अब टाइटल्स देखें, कस्टम है, कस्टम आप खुद का अपना बना सकते हैं
ये इस ओपनर है, ये भी बड़े ज़बरदस्त है। जैसे ये इंट्रो या आउट्रो, इससे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये इंट्रो है, इसको मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, इसको वीडियो तक रख देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, हमने अब मैंने इसको दोनों को बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि हमने ये वीडियो के ऊपर शो नहीं करवाना है, वीडियो के एंड पे ये पहले शो करवाना है, या वीडियो के बीच में शो करवाना है। तो बीच में शो करवाने के लिए आसान है, जैसे मैं इससे इनके पास शो करवाना चाहता हूँ, इसको कट कर दूंगा, इसको ला के इधर रख दूंगा, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखें ज़रा, ठीक है, बीच में ये शो हो रहा है और बीच में ख़त्म हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इसको एंड पे सिलेक्ट कर दूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जूम कंट्रोल प्लस जी करूँगा और इसको वापस ले आऊँगा। ठीक है, अब ये वापस आ गया। मैं चाहता हूँ इसको एंड पे शो करूँ, तो ये एंड पे सिलेक्ट है। ठीक है, तो प्ले करते हैं वीडियो को, ये एंड पे शो हो जाएगा। और इसको मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू में शो कर दूँ, तो ये वीडियो के शुरू में भी शो हो जाएगा। तो ये अपनी मर्जी, आप जो चाहे जैसे चाहे बड़ी ही आसानी के साथ आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब चलो, मैंने इसको वीडियो के एंड पे रखना है, इसको मैंने एडिट करना है, डबल क्लिक कर दूंगा सिंपल। अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इस पर मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये थोड़ा सा मैं इस तरफ आ देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट इस पर करना है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये चीज़ होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर शो होना हो, बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मूव हो जाए, जैसे ये साइन आएगा। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे साइन आ रहा है, ठीक है, लाइन के ऊपर क्लिक करके रखूँगा लेफ्ट क्लिक माउस का, ये मैं इसको इसके नीचे ले आऊँगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे सब्सक्राइब है, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, यार ये मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो एक सेकेंड ठहर, इसका मैं कलर फॉन्ट है, ये फॉन्ट को बंद करके। ठीक है, ये देखिए और भी सेटिंग्स है इसमें, ये पहली फॉन्ट की है, इसको मैंने बंद किया दिया, ये दूसरी सेटिंग है कलर वगैरह की, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यार मुझे ये कलर चाहिए येलो में। ठीक है, ये येलो तो नहीं है, पता नहीं क्या है ये, ये है येलो मेरे ख्याल में, हाँ ये आ गया। तो इस तरह इसको मैं कलर भी चेंज करता हूँ। और टेक्स्ट स्पेस क्या है, मतलब कि ये एस है और यू, इसके दरमियान जो स्पेस है इसको टेक्स्ट स्पेस कहते हैं। अब इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, 5 कर देता हूँ, ये चेक करें। ठीक है, 5 का 50 कर देता हूँ, ये चेक करें, ये चीज़ है। लाइन स्पेस क्या है, अगर इस ये जो लाइन है इसकी स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए होता है। अलाइनमेंट क्या है, मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, इधर 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 इधर। ठीक है, ये बड़े आसान फीचर्स है और बहुत ही आसानी। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसके फॉन्ट बने बनाए जाते हैं, इसको चेंज करने के लिए ये देखें, ये फॉन्ट बने बनाए, आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें। ठीक है, बड़े ही प्यारे फॉन्ट है, ये चीज़ हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसी को भी इस तरह सिंपल आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म भी है, ट्रांसफॉर्म मतलब रोटेट करना, ये देखें। ठीक है, रोटेट करना, ये आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। स्केल भी इस तरह ही आता है, ये देखें, स्केल का मतलब होता है इसको बड़ा छोटा करना। तो ये चीज़ें आते हैं, ओपेसिटी भी आपको पहले बता चुका हूँ, ये देखें ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा शो होना शुरू। इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ज़रा आसानी से समझ आएगी, ये देखें ख़त्म हो गया, शो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो होगी बेसिक सेटिंग, अब इसमें एडवांस भी आता है। एडवांस क्या है, एडवांस पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये जो टेक्स्ट की एडिटिंग है उसकी जो एडवांस सेटिंग है उस पर हम आ गए हैं। इसमें अब क्या है, ये चीज़ चेक करें, ये थैंक यू फॉर वॉचिंग है, ये चीज़ इसको मैं चाहता हूँ मैं डिलीट कर, ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक कर दूँगा, ये डिलीट होगी। अब ये सब्सक्राइब वाला रह गया। अब ये प्रीसेट वीडियो, ये क्या है, ये एक लाइन है इसमें, ये देखिए एनिमेशन वाली, ये अब समझ आएगी आपको, ये देखिए। इसको मैंने पकड़ के इधर ले आया, इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर ले आया, ये चेक करिए। ठीक है, अब ये प्रीसेट वीडियो, अभी आपको अंदाज़ा हो गया ये कैसे चलेगा। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह आप अपनी मर्जी से आप इसको एडिट कर सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन मैंने आपको पहले बताया कि इसको कोई मूव देना है, मूवमेंट, ये देखिए इस तरह का मूव आएगा, तो मैंने ये ऐड कर दिया है। अब ये एनिमेशन इसमें ऐड हो, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ये किया था। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है कि जो चीज़ सेलेक्ट करोगे तो वही चीज़ पे आएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये मूव दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मूव दे दिया,
ये देखें ज़रा, ठीक है, इस तरह से मूव आ रहा है। तो ये आप बहुत ही आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं और मोशन दे सकते हैं, ये देखें ज़रा, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, एनिमेशन आ रहा है। अब ये सिर्फ इस पर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ये किया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल आल पे क्लिक कर दूंगा, ये सारे सिलेक्ट हो गए। नहीं करना तो मैंने कंट्रोल पे क्लिक करके रखना और जिस चीज़ को सिलेक्ट करना उस पर माउस का लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ये देखिए, ये ख़त्म करना तो फिर से क्लिक कर दूंगा। अब ये सारे सिलेक्ट हो गए, इस तरह दो तीन चीज़ों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मोशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको भी कर सकते हैं और कैंसिल कर दें अगर आपने सेव नहीं करना है तो, नहीं सेव करनी मुझे। तो ये हम वापस आ गए, इस तरह ओपनर्स हैं, टाइटल्स हैं, टाइटल्स भी देख लें आप एक बार। टाइटल्स जिस तरह से अपना टेक्स्ट लिखना है, नीचे टेक्स्ट लिखना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो आप बड़ी आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। ये चीज़ हो गई है, टेक्स्ट के बारे में हमने देख लिया है, अब सब टाइटल्स एंड क्रेडिट्स ये वो हर चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और आती है जिसकी बाद में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि मैं चाहता हूँ इसमें मैं कोई डब्बा ऐड कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये देखूँ, दिखाऊँ आपको एग्जांपल के तौर पर, ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह का डिब्बा ऐड करना चाहता हूँ, या ऐसे ये देखें, ठीक है। तो वो इसमें ये इसमें फीचर नहीं है, ये मेरा रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर उसमें फीचर है, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होना, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आपने किस तरह से लानी है। तो इसके लिए यहाँ पे देखे ये एंड क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, इनमें से एक आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके एडिट पे आ जाना है। अब एडिट पे आने के बाद ये देखिए, ये चीज़ हमने सेलेक्ट की, एडवांस पे आ जाना है। एडवांस में आने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है, ये भी सारे डिलीट हो गए। अब यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है कि टेक्स्ट ऐड करना है, आप अपनी मर्जी से भी कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ, ये देखें, ठीक है, इसको डिलीट करना, डिलीट कर दो, वो चीज़ होगी। अब यहाँ पे हमने शेप, ये जो मैं आपको शेप बता रहा था वो ये शेप है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये शेप आ गई है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट का कलर है। इसको मैं नीचे लेके आऊँ अगर, एक सेकेंड, ये बॉर्डर है, बॉर्डर का भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट का ही है, ये टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट की शेडो के लिए ये शेप फिल, ये देखिए ये शेप फिल है। अब इसका कलर मैंने चेंज करना है भाई, मैंने इसको मैंने कर देना है ये ब्लू, ठीक है, येलो, रेड, तो ये चीज़ हम शेप, इसका बॉर्डर भी है, बॉर्डर हमने वाइट कर दिया, तो ये देखिए वाइट एक लाइन शो हो रही है, इसको हमने कर देना है येलो कर दें, तो ये येलो सी लाइन शो होने लगी है, ठीक है। अब ये ब्लर है, ये देखिए ओपेसिटी, बॉर्डर की ओपेसिटी है कि हमने कितनी शो करवानी है, ठीक है, साइज़ भी है, एक है साइज़, ये देखिए अब चीज़ समझ में आ रही है। अब आपको आसानी से समझ आएगी ये बॉर्डर है, मैंने क्या किया इसको ब्लर कर दिया 4% पे, ये ख़त्म कर दिया, ये आसानी से नज़र आ रहा है, ब्लर कर दिया, ये इस तरह से नज़र आएगा 10 पे, ठीक है, ये देखिए ये चीज़ होगी, साइज़ की समझ आएगी बड़ा छोटा। अब यहाँ पे ओपेसिटी, ओपेसिटी आपको मैं पहले भी बताया कि ओपेसिटी होती है कि 100 पे होगी तो ये बिल्कुल वाजिया नज़र आएगा, ठीक है, अब देखिए वाजिया नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको अगर फिर से नीचे जाऊँ, ओपेसिटी को अगर 50 पे कर दूँ तो ये देखिए आधा नज़र आ रहा है, ख़त्म कर दूँ ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये इस तरह से आप शेप्स आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरी शेप भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये शेप है, या ये शेप है, ठीक है, डब्बा शेप, या ये शेप है, लाइन शेप, ठीक है, ये देखिए लाइन आ गई है, ये इसके अलावा और शेप कर सकते हैं, गोल शेप भी है, ये इस तरह से आप शेप बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। उसमें ये टेक्स्ट, ये वही चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया था, इधर करना इधर करना इधर करना, सिलेक्ट करके ये इस तरह आ सकता है। और इसके अलावा ये वर्टिकल है, वर्टिकल में लिखना है, ये देखिए वर्टिकल में आ गया है, ये चीज़ें आ गई हैं, साइज़ बड़ा छोटा करना है, ये चीज़ आ गई है, तो ये बोल्ड करना है, मोटा करना है, टेढ़ा करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है। डिलीट करना है, यहाँ पे भी डिलीट कर दें, क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर दें, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, ये मैं पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ये पिक्चर आ गई है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैंने पिक्चर ऐड कर दी, मैंने इस पर क्लिक करके एरो का साइन ऐड कर दिया। अब इसको मैंने रोटेट करना है तो भाई मैं इसको ऐसे रोटेट कर लूँगा, ठीक है, ये देखें। तो ये बहुत ही आसानी से आप अगर जब आपने सारी सेटिंग कर लें तो ओके पे क्लिक कर दें तो योको हो जाएगी। इसके अलावा आप आ जाते हैं एनिमेशन, इसमें एनिमेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देखिए डबल क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट की एनिमेशन आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने टेक्स्ट को ही सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर दें, हमें सेव कुछ भी नहीं करना है, नो पे क्लिक कर दें,
तो ये हम वापस आ गए। तो इस तरह शेप्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैंने नेट पे देख रहा था कि ये लोग सर्च करते हैं कि हम इसको शेप किस तरह ऐड करें, ठीक है। तो मैंने वो अभी बता दिया था कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा और भी इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे टेक्स्ट ही हैं। उसके अलावा आ जाते हैं ट्रांजिशन। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, वो कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं सैम्पल वाली वीडियो पहले एक और ऐड कर लूँ, दो वीडियो ऐड करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब ये वीडियो मैं ऐड कर लेता हूँ, ये वीडियो ऐड कर ली, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने मिला दिया, अब इसको प्ले करके देखते हैं ज़रा। ये देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि ये चल रहा है, साथ ही दूसरी वीडियो चल रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही, बड़ा अजीब लगता है। अब इसको ठीक कैसे करना है, ये ट्रांजिशन आता है इसमें, ये देखिए डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरह का फीचर आएगा। जैसे कि अगर इसको मैं क्लिक करके रखता हूँ माउस का लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ, ये ऐड हो जाएगी। अब ये देखिए ज़रा प्ले करके देखते हैं, ठीक है, कुछ समझ में आया। अब इसको मैं रिमूव करके दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है। और अब ये बहुत ही अच्छा लुक देगा वीडियो को आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड कर दें। अब यहाँ पे जो चीज़ है इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे ये देखिए बड़ा कर लिया और ये छोटा कर लिया यहाँ तक। अगर वीडियो छोटी है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये एक फीचर्स है, मैं ये वीडियो बड़ा करके देख लूँ, होती भी नहीं वीडियो इतनी बड़ी है, और ठीक है। ये देखिए इसको ये फीचर्स आ गया है, इसको डिलीट कर लूँ, ये फीचर्स ऐड कर दूँ, ये देखिए ये फीचर्स आ गया है। उसके अलावा ये फीचर्स आ जाते हैं, ये देखें, तो बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। आप इसका टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको टाइम का आगे बताया था, इसका भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आ गया कि ये कितने सेकंड तक चले, ठीक है। अगर ये 2 सेकंड का है, मैं इसको कर देता हूँ 1 सेकंड भाई चले, ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए इसका साइज़ ही छोटा हो गया। इसको प्ले करते हैं, ये देखिए कुछ दिखा ही नहीं क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें इसमें देखें, बहुत सारे फीचर्स हैं। एक ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो मैं अपनी वीडियो में लगा देता होता हूँ अक्सर, ये देखें, ये मेरी वीडियो में भी फीचर आता है। तो मैं अभी अपनी वीडियो वंडरशेप फिल्मोरा से ही एडिट करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें प्लेन शेप्स आ रही हैं, इसको एडिट करके देखें, ऐड करते हैं, प्लस पे क्लिक किया ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने करके छोड़ दिया, अब ये देखें ज़रा, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, आपकी वीडियो को एक एडवांस लुक दे देगा, अमेजिंग लुक दे देगा। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ठीक है, साइड लाइंस भी आ रही हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स क्या है, ये मैंने जब आपको पहले एडिट करके दिखा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि ये जो है, ये देखिए फ़िल्टर है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर फ़िल्टर को ऐड कर देता हूँ, ये चेक करें ज़रा, वीडियो की लुक ही बदल गई, फ़िल्टर आ गया, ठीक है। फ़िल्टर ज़्यादा है, इसको क्या करूँगा, वीडियो के साइज़ में लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा तो ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े से हिस्सों में फ़िल्टर आए, बाकी में ना आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से स्प्लिट कर दूँगा, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, तो यहाँ से सिर्फ इतने हिस्से में फ़िल्टर आएगा, ये देखें, ठीक है। इसका साइज़ भी बड़ा छोटा, टाइम, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये फ़िल्टर है, इसको मैं आगे कर देता हूँ। अब ये देखिए ज़रा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़िल्टर्स हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, ठीक है। ये देखिए ज़रा 287 या 287 बैकग्राउंड ब्लर। अब एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि भाई एडिटिंग सिखा देते हैं लेकिन पता नहीं होता कि ब्लर कैसे करना है वीडियो को ब्लर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है, आपने इन फ़िल्टर्स में आना है, ठीक है। फ़िल्टर्स में आने के बाद यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, बैकग्राउंड ब्लर का, यहाँ पे आना, तो सारे ब्लर वाले ऑप्शन है जो भी आप करना चाहें, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ब्लर वाला किया बाद में, ठीक है, ये देखिए ये, अब ये जो फीचर है ये मोबाइल के लिए, जैसे मोबाइल की यहाँ पे स्क्रीन आदि शो हो रही होती है ना, तो साइड वाले जो है ब्लर हो जाएंगे, वो ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है। तो इसके अलावा ये देखिए रिंग्स में आ रहा है, स्टैंड ब्लर, ग्रे ब्लर आ रहा है, ठीक है, सारे मोबाइल में आ जाएंगे, बैकग्राउंड के ब्लर हैं, ठीक है। ये देखिए और भी फीचर्स हैं इसमें, ये देखें ज़रा, ये फीचर चेक करें,
ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और जो ब्लर का आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन है, जैसे 16 हैं, 16 में से आप कोई भी ऐड कर लें तो इसमें से आप ब्लर कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट आ गया, ये देखिए इस तरह का, तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर। ये आ गया, इफेक्ट्स आ गए आगे, ठीक है। और इसके अलावा एलिमेंट्स आ गए। अब एलिमेंट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है आपकी वीडियो में एक अमेजिंग लुक देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ये इसके लुक देखिए ज़रा, ये देखिए थंडरस्टॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये 2 आ रहा है, एयर ग्राउंड आ रहा है, ये एयर ग्राउंड, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ज़रा, ये फायर, अब फायर देखिए ज़रा कैसा ज़बरदस्त फीचर है, ये डाउनलोड हो रहा है, फायर हो गया डाउनलोड। तो ये इसको मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए, अब ये ना समझिएगा कि ये पूरी स्क्रीन पे ही आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने बताया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, जब डबल क्लिक कर देंगे तो ये एडिटिंग शो हो जाएगी। इसको आप इसका साइज़ छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये वीडियो का साइज़ छोटा नहीं हो रहा है, यह फायर का साइज़ छोटा आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये फायर है, इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर शो हो, इतना शो, इसको मैं प्ले कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं। अब ये देखिए मेरे भाई, ये क्या है, इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, इसको भी साइज छोटा करना, इस पर क्लिक कर दें। अब ये चीज़ ध्यान रखें कि जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे उसी पे एडिट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया था तो इस पे एडिटिंग हो रही है। ये नहीं कि आप ये सिलेक्ट करें फिर आप कही जाएँ कि भाई मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो लेकिन ये तो वीडियो छोटी बड़ी हो जा रही है, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये चीज़ ना कर लेना, तो जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे उस पर ही एडिटिंग होगी। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये देखिए जोकर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये भी डाउनलोड हो गया, इसको प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये भी ऐड हो जाएगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग लुक देंगे। इसको डिलीट कर लें, इसको कर लें, इसको भी कर लें, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ सारी इस तरह, आप इसमें लव वाले हैं, ये जर्नी, बहुत सारे फीचर्स हैं, ट्यूटोरियल्स में भी रिलेटेड हैं, ठीक है। ये एरो वगैरह, अब इसमें एनिमेशन ऐड होती हैं पहले से, ठीक है। अब ये एक आपको मैं दिखा दूं एनिमेशन, इसमें जैसे इसको मैं क्लिक करूं, तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, ये इस तरह क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों? मैं बताया था कि हमने जो भी एडिटिंग करनी है वो ऊपर वाली साइड पे करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें जो मेन वीडियो है उसको नीचे रखना है हमने, ये वीडियो के नीचे आ गया, हमने मेन वीडियो नीचे रखनी है, इसको ऊपर लेके आना है। अब देखें, ठीक है, तो इस तरह से आसानी से भी ऐड कर सकते हैं। किसी चीज़ पे आपने निशानदेही करनी है, किसी चीज़ को दिखाना है, तो उसके लिए भी ये काम आ सकते हैं। अब वेब से रिलेटेड है, ये देखिए लाइक, ये वो, उसके अलावा पेट्स हैं, पेट्स भी हैं, उसके अलावा इमोजीज भी हैं इसमें, उसके अलावा फ़न से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे फ़न वाले थे, AR भी हैं, ये देखिए ज़रा, अब इसको मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया, इसको ऊपर ले आता हूँ, ये चेक, ठीक है। ये इस तरह के फीचर है, यहाँ मैं ये वीडियो को डिलीट कर दूँ और आपको फिर से नज़र आएगा, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह के फीचर्स है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, वीडियो को बहुत अच्छा लुक देंगे। तो ये चीज़ भी होगी, आपके स्प्लिट स्क्रीन आ गई। मैं आपको अगर शुरू में वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आप बसेस वाला एक मैंने वो इमोजी दिखाया था, जो पिक्चर है मैंने बताया था, एक पिक्चर इधर कर लो, एक इधर कर लो, बीच में बसेस, तो ये वो चीज़ आ गई स्प्लिट। एक स्क्रीन को 200 में तक चेंज करना, अब यहाँ पे इसके स्टाइल आ गए हैं कि 2 में करना, 3 में करना, ऊपर नीचे, ये वो सारा कुछ आ गया। मैं कर देता हूँ कि मैंने पहले सैम्पल वीडियो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने वीडियो ऐड कर ली, स्प्लिट स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब मैंने इसको 200 में डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा,
अब इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्यों? बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ ताकि ये आप बोलने से गलती ना करें। नीचे वाली जो वीडियो है वो हमारी मेन होती है, इसको हमने ऊपर लेके आना है, ठीक है। ये फीचर अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ इसको, एक वीडियो में ला के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, एक तो मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो चल रहा है, हाँ यहाँ से भी आ सकता है, ये देख, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से फीचर काम करेगा। तो अभी हम दूसरी वीडियो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो भी मीडिया हमने ऐड किया होगा उस पर अगर हम मैं प्लस पे क्लिक कर दूँ तो ये पहला मीडिया सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये वीडियो हैवी बहुत है, इसको मैं रहने देता हूँ, इस पर कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये वीडियो सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर मैं दूसरे पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी सिलेक्ट कर दूँगा, ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, आप वीडियो को 200 में तकसीम कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ऊपर नीचे ये साइड में इस तरह, ये आप चीज़ देख सकते हैं। लेकिन ये उस पर काम सही करेगा जिसके कंप्यूटर या मतलब कि हैवी हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब कि हाई एंड कंप्यूटर, उस पर ये चीज़ें काम करती हैं। तो उसके अलावा अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, ये जो ऊपर वाले फीचर्स रह गए हैं, इस पर हम फाइल पे आ जाते हैं, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में मैंने बताया था कि ये 16:9, ये चीज़ 16:9 है, ठीक है, इसको 16:9 कहते हैं। अब मोबाइल वाली कौन सी होती है, ठहरे ज़रा, ये जो है ना ये मोबाइल वाली होती है स्टैंडर्ड 4:3, ठीक है, और 4:3। अब एक मैं अगर आपको लाइव चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं ये ब्लर कर दूँगा ताकि आपको ये ना दिखे, क्योंकि ये पर्सनल है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, बाकी चीज़ें सारी मैं बार बार कहने के ब्लर कर दूँगा, सिर्फ आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँगा कि मोबाइल वाली होती क्या है। हाँ, ये एक मिल गई मुझे, तो यहाँ पे ला के एक सेकेंड, यहाँ पे ला के इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ये वीडियो ऐड हो रही है, ये है 4:3, इसको कहते हैं 4:3, ठीक है। इसका मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये 4:3। अब इसमें इशू क्या आता है, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे ब्लैक आएगा, यहाँ पे ब्लैक आएगा, इसको कैसे रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये प्रोजेक्ट चेकिंग ये वाली आ गई है। अब हमने यहाँ पे इसको जो है ना, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डबल क्लिक करके इसके ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने वीडियो पे आ जाना है, ठीक है। अब ये क्रोमा के लिए इसको बंद कर दें, ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएं, ठीक है, पहले वाली में। अब यहाँ पे आके इसको हमने रोटेट कर देना है इस तरह, ये चीज़ हो गई है, और इसको हम इस तरह से बढ़ा लेंगे, ये स्केल आ गया है, ये फ्लिप आ गया, फ्लिप का मतलब ये होता है इस तरह, ठीक है, ये ऊपर नीचे ही आगे पीछे, ये चीज़ है, इसको हम स्केल पे सिलेक्ट कर लेंगे सारी। तो ये चीज़, अगर आप ये ट्रांसफॉर्म के बारे में, रोटेशन, फ्लिप और स्केल के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने लैदा वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसके बारे में मैंने बड़ा डिटेल से बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप उसमें भी देख सकते हैं, बरहर मैं इसमें भी बता रहा हूँ, तो ये इस चीज़ के लिए होती है, ठीक है। ये आप देखिए ब्लैक स्क्रीन ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा एक और तरीका होता है, मतलब कि अगर मैं इसको वापस ले आऊँ, ये चीज़, ठीक है। अब इसका क्या करूँगा, मैं इसमें बैकग्राउंड में कोई इमेज ही लगा दूँगा। तो इमेज लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लें, फाइल पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे इम्पोर्ट मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं आपको इमेज लगा देता हूँ, ये इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इम्पोर्ट कर ली है पिक्चर, तो यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
अब ये चीज़ फिर से वही आ गई है कि हमें जो मेन वीडियो है उसको ऊपर लेके आना है, ठीक है, बल्कि नीचे लेके आना है, ठीक है। अब ये पिक्चर जो है हमारी इस वक्त मेन है, क्योंकि हमने वीडियो ऊपर इसके चलानी है और पिक्चर नीचे, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये भी आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ये देखिए ज़रा। तो आप बहुत ही आसानी के साथ वीडियो को एडिट कर पाओगे। अब ये देखिए यहाँ तक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से पकड़ के इसको वीडियो तक ले जाऊँगा, ये चीज़ ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है इसका एक्सपोर्ट के बारे में, और ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भाई इसकी हेल्प है, एकेडमी है इसका, इसको आप रहने दें, ठीक है, स्पोर्ट्स सेंटर है ये, जिसके पास पेड वर्जन है उसी के काम आएगा ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हैं इसको, क्या है कि ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं इसके बारे में, कोई फीचर्स नहीं आता है ये वो इस तरह की। ये लॉगिन क्या है, अगर आपके पास कोई पेड वर्जन है तो उसके पास आपकी ज़ाहरी बात है आईडी होगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, ये वो चीज़ आ गई है। इसके अलावा ये आ जाते हैं मेल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, मैसेज सेंटर आता है, जो भी कंपनी की तरफ से आपको मैसेज वगैरह आएंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है जी, ये स्टोर है, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि ये, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें क्या है जी, हम यहाँ पे डाउनलोड इफेक्ट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर है ये एप्पल का स्टोर है, तो ये वैसे ही फिल्मोरा का स्टोर है, यहाँ पे क्लिक करके हम बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इनकी आईडी है, मतलब कि पेड वर्जन है। इसके अलावा यहाँ पे देखें एडिट में वही चीज़ें आ जाती हैं, सिलेक्ट ऑल, ये वो जो मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बता चुका हूँ, इसमें भी सारी वही चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं सैम्पल वीडियो ऐड कर दूँ, अब यहाँ पे क्लिक करके देखें तो ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप सारी चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। टूल्स में आ जाएँ, टूल्स में आने के बाद आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ें व्यू कर सकते हैं, ये लार्ज वाली है, व्यू ब्लास्ट है, स्मॉल थंबनेल, इस तरह की चीज़ें, ये देखें ये इसको चेंज कर रहा है, दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे अब ये देखें लार्ज, ये देखें लार्ज आ गया, यहाँ पे आके फिर से कर दूँ, ये मीडियम आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाएगी। और उसके अलावा आप देख सकते हैं ठीक है, तो ये अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके टूल्स आएंगे, ठीक है, ये देखिए सॉर्ट बाय, जो भी हम चीज़ें करेंगे तो ये इसमें एडिट होंगी। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसका टूल्स है ही नहीं, ठीक है, देखिए। तो इसके अलावा ग्रुप बाय आ जाएगा, ये सारी वही चीज़ें हैं, टाइप, यानी कि इनको तरतीब में देने के लिए ये चीज़ें हैं, उसके इसको आप रहने दें, इसमें कोई भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गई चीज़ व्यू वगैरह, ये अब वीडियो को पास स्टॉप कर, ये इसकी सारी सेटिंग आ गई, पास करना, स्टॉप करना, जूम करना, लेवल, ये वो, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट आ गया है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि ये वीडियो है, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से क्रिएट वीडियो, एक्सपोर्ट टू डिवाइस, ये चीज़ें आ जाती है, अपलोड टू यूट्यूब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपलोड टू वीमियो यहाँ से भी कर सकते हैं, और डीवीडी में भी, अगर आपके पास कोई डीवीडी उसमें ऐप्स को ऐड करना चाहते हैं, डीवीडी सिंपल इंसर्ट कर दें, ठीक है, कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो वहाँ पे डीवीडी के ऊपर ये सारी वीडियो स्टोर हो जाएगी, जैसे सिंपल डीवीडी होती है वैसे बन जाएगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट डिवाइस में करना चाहते हैं, कंप्यूटर में, यह अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं और उसकी सेटिंग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें बताता हूँ। अभी ये सिंपल वीडियो की एडिटिंग देखते हैं, डबल क्लिक इस पर मैं करूँगा तो ये सारी वीडियो की एडिटिंग आ जाएगी। अगर मैं पहले आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा था, अभी मैं एक तरतीब से आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ट्रांसफॉर्म है, ये मैंने आपको बताया रोटेट वगैरह, ठीक है, इसके लिए मैंने लैदर वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, स्केल बड़ा छोटा, और पोजिशन है, पोजिशन भी आप देख सकते हैं, ये फ्लिप है, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, इसको बंद कर दें, रीसेट कर दें। कंपोजिंग, कंपोजिंग में आती है ओपेसिटी, ये चीज़ मैं आपको दो तीन बार प्रैक्टिकली भी दिखा चुका हूँ इसमें, ठीक है, ये चीज़ इसमें नॉर्मल है, और भी ऑप्शन डार्कर, ये आप फिल्टर्स वगैरह आ जाएंगे, ये देखिए नॉर्मल ओपेसिटी में वो चीज़ है, अब डार्कर में ब्लैक हो जाएगा, मल्टीप्लाई में देखें ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा इसको भी बंद करके, अब क्रोमा की आपको बता चुका हूँ, ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, ये चीज़, ये देखें ये अब पीछे ये ग्रीन थे, ठीक है, दरख्त वगैरह तो ये गायब हो गए हैं, ये देखें, तो ये चीज़ है। इसके फीचर्स भी मैं आपको सारे बता चुका हूँ,
यहाँ पे इसको भी बंद करते हैं। अब लेंस करेक्शन, ये क्या है, इसको अगर मैं लगाऊं तो ये चेक करें ज़रा, सिलेक्ट प्रोफाइल है, गो प्रोफाइल हीरो 7 हमने ये चेक किया तो ये जूम हो गया थोड़ा सा, ये देखें ठीक है। अब ये 4K वाइड है, 2.7K वाइड है, मीडियम है, ये देखें साइज ही है सारे, ये देखें ठीक है, ये वही चीज़ है, मतलब कि वीडियो के फ्रेम के साइज पर हार है ये, ये चेक करें, ये साइकिल बड़ी हो रही है, आसान लफ्ज़ों में ये अभी छोटी हो रही है, वीडियो का साइज उतना ही है, फ्रेम यहाँ पर ही है, वीडियो के अंदर के जो फ्रेम है ना उसको बढ़ा छोटा रहा है ठीक है। ये देखिए ये चीज़ है, इसमें ये सारे फीचर्स हैं, इसको रीसेट कर दें। नीचे आ जाता है ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो बड़ा आसान फीचर है, आप इसकी शेडो बढ़ा सकते हैं ठीक है। ये देखिए ज़रा डिस्टेंस, इसमें वीडियो में आपको शो नहीं होगा क्योंकि इसमें पहले ही बहुत सारे कलर्स वगैरह हैं, तो ड्रॉप शेडो अगर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करके दिखाऊं तो उसके नीचे जो ब्लैक कलर से आ जाए तो वो शेडो होती है, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा इसको मैं रीसेट, ऑटो इन्हेंस, ऑटो इन्हेंस देखें, ये मोबाइल में फ़ीचर भी आपके आता है, अगर आपने कोई पिक्चर क्लिक किया है तो उसमें अगर ऑटो आ जाएगा फिल्टर या ऑटो इन्हेंस इस तरह का ऑप्शन आता होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कलर इसके चेंज कर देगा, जो बेहतर होगा वो खुद ब खुद कर देगा। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, कम करेंगे तो और ज़्यादा लाइट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें इसमें आती है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब बारी आती है इसकी एक्सपोर्ट करने की। अब ये वीडियो मैंने भाई मैंने एडिट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, हर चीज़ होगी ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, यहाँ पर क्लिक कर दें और ठीक है एक्सपोर्ट टू डिवाइस कर दें। अब ये आ गया पॉपअप एक्सपोर्ट का, यहाँ पे उसको सेटिंग कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए डीवीडी के लिए भी है, लोकल ठीक है, लोकल भी करना है वो भी है, डिवाइस है वो भी है, डिवाइस मतलब कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपने करना है, आईपैड के लिए, एप्पल के लिए, ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं ठीक है। लोकल के लिए ये अब वीडियो के फॉर्मेट है, MP4 है, WMV है, AV है, ये MOV है, आजकल ज़्यादा MKV चल रहा है ठीक है, और AVI भी चल रहा है और WMV भी चल रहा है, MP4 भी चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि MP4 ही रहने दे ठीक है। अभी MP3 है, ऑडियो के लिए आपने करना है, गिफ्ट है, गिफ्ट होते हैं जो आजकल चल रहे होते हैं वो भी है। इसके अलावा YouTube के लिए आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, Vimeo भी सेम है और DVD भी सेम है। अब ये DVD की सेटिंग आ गई है ठीक है, ये लेबल नाम दे दें, रेशियो वही यही आपने रहने देनी है, वाइड रेशियो होती है ठीक है। अब ये सारा कुछ करके आपने एक्सपोर्ट कर देना है तो DVD पे ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपने अगर DVD इंसर्ट की हुई है तो यहाँ पे इधर नीचे का क्लिक का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके आपने DVD सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप USB में कोई चीज़ कॉपी वगैरह करते हैं तो ये वो चीज़ है, तो यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना और वो उस पर बर्न हो जाएगी, यानी कि ये सारी वीडियो उस पर आ जाएगी। इसके अलावा हमने क्या करना है जी भाई, इसकी हमने डिवाइस में करनी है, मतलब कि डिवाइस में ये वीडियो बाय करनी है, अब एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए हमने ये अब सेटिंग्स है, इसकी नेम है, नेम हमने दे दो भाई सैम्पल वीडियो, ये चीज़ आ गई है। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है, अगर यहीं पे करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करें और जो भी आपने लोकेशन डेस्कटॉप ये वो कुछ भी है तो उस पर आपने कर लेना है। यहाँ पे आती है वीडियो की सेटिंग के, किस सेटिंग के ज़रिए आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दें अगर चेंज करना है तो। यहाँ पे देखें इनकोडर है, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो वेल एंड गुड है ठीक है, वहाँ पे इसका शो होगा ग्राफिक कार्ड का, वहाँ पे रहने दें, नहीं तो सॉफ्टवेयर का शो होता है ठीक है, उस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर वीडियो की साइज़ की कैटेगरी है ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर लो एंड कंप्यूटर है तो आप 1280x720, उससे हाई है तो ये, उससे हाई है तो ये, बहुत हाई है तो ये 2K इसको कहते हैं, इसको 4K कहते हैं ठीक है, 1496x2160 इसको 4K कहते हैं और इसको 2K कहते हैं, इसको अल्ट्रा HD कहते हैं ठीक है, ये HD होता है, ये मास्टर HD होता है, इस तरह ये सारे हैं ठीक है, ये मोबाइल वर्जन के लिए होता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा सा हाई एंड है तो इस पर रहने दें। उसके अलावा आपने क्या करना है, फ्रेम, अब फ्रेम किसे कहते हैं, फ्रेम भाई मेरे कहते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी पिक्चर्स चलें ठीक है, आसान लफ्ज़ों में 1 सेकेंड में वीडियो की कितनी पिक्चर्स चलें, 25 फ्रेम पर सेकंड में होते हैं कि वीडियो की 25 पिक्चर 1 सेकेंड में चलें, और 60 फ्रेम स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि ये 60 पिक्चर 1 सेकेंड में चलती है, तो इसलिए आप 60 फ्रेम रहने दें। अगर आपका कंप्यूटर लो एंड है तो 30 फ्रेम रहने दें, इनफ है।
उसके अलावा ये KBPS, KBPS आसान लफ्जों में मैं आपको समझा दूं कि ये 1 सेकेंड में 10 MB आपके एक्सपोर्ट करने के लिए लगेंगे, मतलब 10,000 KBPS 1 MB बनता है, 10 MB बनते हैं सॉरी। तो ये जो 10,000 KBPS है ये 10 MB बनेंगे, तो अगर ये 10 सेकेंड की वीडियो होगी तो ये 100 MB बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप बैटर पे क्लिक करेंगे, ये देखो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 8,000 पे आ गया, ये 6,000 पे आ गया। अपनी मर्जी से भी आप इसको सिलेक्ट कर दें, कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा तो यहाँ पे बेस्ट पे ही रहने दें, ठीक है। अब ये 10,000 KBPS पर सेकेंड, मतलब कि जब हम वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये 10 MB पर सेकेंड के हिसाब से एक्सपोर्ट होगी, ये वीडियो का साइज़ बता रहा हूँ। ये ऑडियो, ऑडियो आपने सेम रहने देनी है, इसको चेंजेस नहीं करें, ये भी बिटरेट है, इसको बढ़ा सकते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी हो जाएगी ऑडियो की, वरना इसको 192 पे ही रहने दें बेहतर है। ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये सेट हो जाएगी, ठीक है, ये सेटिंग सारी सेट हो गई है। हम आपने इस पे इनेबल GPU एक्सेलरेटेड, इसका क्या मतलब है जी भाई, कि ये जो ग्राफिक कार्ड है ना उसके ज़रिए से इनकोडिंग होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा काम, क्योंकि ग्राफिक कार्ड होते ही इस चीज़ के लिए। तो जिसके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो वो इसको रहने दे, अगर है तो इसको लगा रहने दे। अगर आपके पास CPU है, जैसे कि आजकल प्रोसेसर आ रहे हैं उसके अंदर ही ग्राफिक कार्ड होते हैं, तो वो भी इसको चेक ही रहने दे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें तो ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें एक्सपोर्ट हो रही है, 50% होगी, 60% होगी। अगर ये वीडियो बड़ी होगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 सेकंड की वीडियो है, इसलिए ये जल्दी हो रही है। अगर ये वीडियो ज़्यादा है तो इस पर टाइम भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसा है। अभी ओपन हो गया, आप दो ऑप्शन दे रहे हैं कि फाइंड टारगेट या क्लोज। फाइंड टारगेट पर क्लिक करेंगे तो सिंपल जहाँ पर ये वीडियो है हमें उस लोकेशन में ले जाएगा। अब ये देखें सैम्पल वीडियो के नाम से हमने इसको अभी सेव किया है, इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सैम्पल वीडियो के नाम से हमने सेव किया, ये चल भी रही है। क्योंकि ये वीडियो चल क्यों नहीं रही है, क्योंकि हमने ये इसको फ्रीज किया हुआ था और ये सिर्फ वही वीडियो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी फ्रीज ही है क्योंकि हमने मोशन ऐड किया था, तो यहाँ पे फ्रीज है। तो इस तरह से अगर मैं इसको वीडियो भी ऐड करके आपको अपलोड दिखा दूँ, ताकि आप ये ना कहें कि वीडियो नहीं चल रही, तो मैं एक सेकेंड, ये देखें वीडियो आ गई है, अब ये चल रही है, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर, यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सारे कुछ वैसे ही है। सैम्पल 2 कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि 1-2 सेकंड की वीडियो, तो ये जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी कि वो वीडियो फ्रीज ही थी। ये देखिए हो भी गई है, हमने फाइंड टारगेट पर क्लिक करना है, ये अब आ गया सैम्पल 2। अब इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है, ये वीडियो ओके है सारी, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ वीडियो एडिट करना सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरे भाई अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेसिकली ये चैनल है टेक के ऊपर, ठीक है, लर्निंग और अर्निंग के ऊपर। इसके अलावा मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, आप मेरे चैनल पर व्लॉग्स भी देख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो वो बासानी आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।